हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम फार्मेसी पैरामेडिकल के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनके बारे में, कब तक आ जाएंगे, और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपकी फिजिक्स अगर वीक है तो आपको फिजिक्स की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन, एक भी चीज़ बाहर नहीं जाने वाली। फिजिक्स की पूरी प्रॉपर तैयारी हम करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी की करवा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स की इतनी ज़बरदस्त अगर आपको कहीं भी ऐसी तैयारी देखने को नहीं मिलेगी। ओनली 50 क्लासों में पूरी फिजिक्स, मतलब आपको कुल मिला के 20 घंटों में आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि 20 घंटों में सारी फिजिक्स आपकी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आप अगर ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छा जरूर लगेगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ RHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के या फार्मेसी या पैरामेडिकल के जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो लगभग इस मंथ में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कल कुछ अपडेट मिला था कि RHS में कुछ हलचल हुई है इसके अपडेट इसके बारे में, और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म होने की कल संभावना थी। कल की डेट में वहाँ से जो आपका नोटिफिकेशन था वो रिलीज होने की पूरी संभावना थी, लेकिन हुआ नहीं। क्या क्या रीज़न रहा उसका भी पता नहीं चल रहा, लेकिन इस मंथ में 30 तारीख या 31 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने की पूरी संभावना। अगर 31 तारीख तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आते हैं तो मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म आपके दिवाली के बाद ही आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़, RHS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि एग्ज़ाम कब होगा, उसकी तैयारी हम कैसे करें। तो आपका RHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम इस मंथ में नहीं होगा, नवंबर में नहीं होगा। अगर 31 अक्टूबर तक फॉर्म आ जाते हैं, 31 तारीख तक फॉर्म आ जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा, सॉरी नवंबर में नहीं होगा। 31 तक फॉर्म आ जाते तो दिसंबर तक होने की संभावना है, लेकिन अगर दिवाली के बाद फॉर्म आते हैं तो आपका एग्ज़ाम सीधा सीधा जनवरी में जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों? सीधा सीधा जनवरी में जाएगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं हो सकता दिसंबर में फिर तो, लेकिन अगर दिसंबर में नहीं होता जनवरी में होगा। जनवरी में एग्ज़ाम होगा, जनवरी में रिजल्ट आएगा, फिर फरवरी में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फरवरी एंड तक फर्स्ट काउंसलिंग आपकी कंप्लीट होगी। तो ये प्रोसेस आपकी रहने वाली है, आपको ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको तैयारी के लिए कुछ नहीं करना, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर आपको जाना है। आपको स्टडी विद देव यूट्यूब जो चैनल है उस चैनल पर आपको चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, क्या चीज़? स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर गए आप, यहाँ जाने के बाद इसको आप सर्च करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन ऑन कर लेना। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में लेना, ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ ऊपर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर जाना है। बेसिक से अगर आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। यहाँ से अगर फिजिक्स आप पढ़ते हो तो आपको मज़ा आएगा, पूरी तरह प्रॉपर मज़ा आएगा, ठीक है? तो इसमें देख लेना आप, यहाँ आपको मिलेगा क्या चीज़। यहाँ अगर आप प्लेलिस्ट पर ओके करते हो जैसे वीडियो, और प्लेलिस्ट पर जैसे आप आते हो तो प्लेलिस्ट पर आने के बाद आपको इस प्रकार दिखाई देगा। तो यहाँ आपको नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है एरो का, तो इस एरो पर करना है क्लिक। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नज़र आएगा फिजिक्स फोर 2021। तो इस 51 वाले क्लासेज वाले पर क्लिक करना है आपको। 51 जो क्लासेज मैंने इसमें करवा रखी इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करो, 52 हो रही टोटल, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो टोटल 51 वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में दिखाई देते हैं। फर्स्ट है आपका फुल कोर्सेज, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसके बाद 10 के बाद मैंने इसमें कुछ पेपर पहले करवा दिए, पेपर पहले देख लेना। लेकिन ये पेपर मैंने बीच में जो आपका प्रीवियस ईयर का फिजिक्स का पेपर था वो मैंने आपका करवाया था। तो 1, 2,
दो तीन तीन क्लासों में एक पेपर पूरा करवा दिया था, फिजिक्स कंप्लीट करवाई थी, तो ये देख सकते हो फिजिक्स अच्छी तरीके से, और जो हमारी बुक्स थी फिजिक्स वाली उसमें से कौन सी जगह से कौन सा क्वेश्चन आया था ये बारे में मैंने बताया था इसमें, कि ये क्वेश्चन हमारी बुक से आया या नहीं आया, ये चीज़ भी मैंने लास्ट ईयर आप ये जब क्वेश्चन करवाया तब बताया था। बाकी टोटल इसमें एक भी क्लास दे, कोई क्लास तो 11 मिनट की, कोई 31 मिनट की, कोई 47 मिनट, कोई 30 मिनट, बिल्कुल बहुत ही इजी कम कम समय की क्लासेज आपके लिए रखी गई है, कोई 47 मिनट की है, तो इस वजह से आप लगभग एवरेज मानकर चलिए टोटल अगर आप इसका हावर मानते हो तो कितना हो सकता है, टोटल हावर इसका लगभग 20 से 22 घंटे हैं, 20 से 22 घंटे में आप अपने फिजिक्स इतनी ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट कर सके हो कि ताकि आपको कोई नहीं रोक सके। लगभग डेढ़ चैप्टर इस फिजिक्स का बचा हुआ है, तो उसको मैं एक या दो दिन में कभी भी करवा सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए एग्जाम फॉरम नहीं आ रहे तब तक आप फिजिक्स का दोबारा से इसका रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो ये चीज़ आपको बहुत दुख देगी। और फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स पढ़ ली समझो उसका सिलेक्शन श्योर है, फिजिक्स ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, फिजिक्स ही आपको रैंक डिसाइड करेगा, फिजिक्स ही आपका कॉलेज डिसाइड करेगा। आपकी बायो और केमिस्ट्री सभी को आती है, लेकिन फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कॉलेज डिसाइड करेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, एसएमएस मिलेगा या फिर झालावाड़ मिलेगा या चूरू मिलेगा या अलवर मिलेगा। लेकिन अगर आप फिजिक्स को ही अगर अलविदा बोल देते हो, फिजिक्स को बीच में छोड़ रहे हो, तो फिजिक्स आपको बहुत नुकसान करने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिजिक्स पर पूरा फोकस करिए फिजिक्स, क्योंकि कहीं भी आपको फिजिक्स पढ़ने को नहीं मिल रही है और इतनी शानदार फिजिक्स आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, ओनली फॉर एक मात्र छोटे सी कोशिश आपकी और फिजिक्स आपकी कंप्लीट। अगर ये फिजिक्स आप अभी कंप्लीट कर लेते हो तो समझिए आपका 30 प्लस स्कोर, 33 में से 30 स्कोर आप इजी तरीके से करोगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नहीं, ये चीज़ें बेसिक से पढ़नी होगी। और बाकी मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये चीज़ें रट लेते हो तो आपको 30 स्कोर से पीछे कोई नहीं छोड़ सकता, 30 स्कोर आपके आराम से होंगे। अगर मेरी पूरी क्लासेज आप लेते हो उस चैनल पर जो होती है, तो उसके अगर लेते हो तो आपको क्या होगा 80 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा। तो ये तो हो गई फिजिक्स की बात, इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री की क्लासेज भी यहाँ चल रही है, केमिस्ट्री की क्लासेज के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट है, और विनोद सर वाली बायोलॉजी की और मैं खुद जो अलग बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ उनकी क्लासेज की प्लेलिस्ट भी अलग से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट में देख लो ये वाली प्लेलिस्ट है। तो इन सारी प्लेलिस्टों को अगर आप जाकर चेक करोगे तो सारी गोल्डन क्लासेज हैं। बाकी ये देख सकते हो यहाँ भी मैम की केमिस्ट्री क्लास है, ये विनोद सर वाली क्लासेज है, तो ये सारी गोल्डन क्लास हैं, बट ये आप ही की गलती, आप इनको लेना नहीं चाहते। बाकी दो क्लासेज जो आपकी दो एमसीक्यू वाले पीडीएफ थी वो भी मैं जल्दी प्लेलिस्ट बना दूंगा उनके लिए भी, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हो लाइक, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है, बट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई फर्दर अपडेट आता है सबसे पहले आपको नोटिस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।